बस्मरिम डियर स्टूडेंट्स असलकम वाला लास्ट लेस्ट में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट एनाइसिस हम लोग कैसे करते हैं उसमें मैंने बताया था कि वी एक्चुअली परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट फर्स्ट वी डू द एनािस ऑफ एन आइन एंड उसके बाद जो है ना हम लोग करते हैं एनालिसिस ऑफ़ द दिताइंस ठीक है तो वो एक वीडियो है कम्प्लीट वीडियो है मैंने बता दिया था कि किस तरह हम पहले एन आइंस के एनािसज करेंगे फिर केटाइंस के एनालिसिस के करेंगे अब अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमने एनाइन एनालिसिस करना तो हाउ वी वी विल परफॉर्म द एनाइन एनालिसिस और अगेन ये भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में ही कि जब हमने एनाइंस को देखना होगा कि एक पर्टिकुलर साल्ट में कौन सा एनाइन है तो वी परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट फर्स्ट वी विल परफॉर्म है ए प्रिलिमिनरी टेस्ट ठीक है एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम लोग कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं ठीक है प्रिलिमिनरी टेस्ट से हमें एक आइडिया मिलता है कि विच एन आइन कैन बी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्ट वी आर नॉट श्योर हम श्योर sure नहीं होते हैं वी आर नॉट हंड्रेड परसेंट यू नो श्योर कि इसमें कोई पर्टिकुलर एन आइन है या नहीं है ठीक है बट द प्रिलिमिन्री टेस्ट कैन टेल टेरस जस्ट अ हिंट ठीक है ये सिर्फ हमें बता सकते हैं मे बी दिस एन आइन इज प्रेजेंट इन इट देन आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एन आइन करेक्ट तो प्रिलिमिनरी टेस्ट एक uh, ऐसे टेस्ट है जो कि हम अगेन पहले करते हैं कैसे विद द डायल्यूट एसटीओसो फोर ठीक है तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करेंगे एंड इफ़ रिएक्शन डजन टेक प्लेस देन वी विल परफॉर्म अ सेम यू नो वी विल परफॉर्म द सेम रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले अगर हम डायल्यूट एसटीओसो फोर एड करेंगे इफ देर इज नो रिएक्शन देन वी विल गो विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फिर वहां से जो ऑब्जर्वेशन होगा अकॉर्डिंगली हम लोग फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एनाइन के लिए अब जरा इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि वॉट आर द एनाइंस विच एक्चुअली रिएक्ट विद द डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है तो इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल सकते हैं सपोज अगर हमने आ, हमारे पास एक अनोन सॉल्ट है सो वॉट वी डू वी टेक दैट सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब ठीक है टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उस सॉल्ट uh, में हमने ऐड करना है फिर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डायल्यूट एच टू सो फोर ठीक है सो so, जब हमने डाइल्यूट एच टू सो फोर इसमें ऐड किया देन यहाँ से कुछ रिएक्शंस यहाँ से कुछ गैसेस निकलेंगे ठीक है जो जो गैस यहाँ से निकलेगा फ्रॉम द कलर ऑफ द गैस एंड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ दिस गैस हम लोग कुछ इन्फ्रेंसेज ड्रॉ uh, कर सकते हैं कि कौन सा एन प्रेजेंट हो सकता है ठीक है क्या बताया मैंने कि जब हमने सॉल्ट लिया टेस्ट में और उस सॉल्ट में उस टेस्ट में हमने फिर ऐड करना है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो जब डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वन और टू एम हमने उसमें ऐड किया देन वहाँ से जो गैस निकलेगी वहाँ से जो रिएक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द कलर ऑफ द गैस एंड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द गैस हम लोग कुछ इंफ्रेंसेज ड्रॉ कर सकते हैं राइट right? हम लोग कुछ इन्फ्रेंसेज ड्रॉ कर सकते हैं नाउ बेस्ड ऑन द कलर एंड द ऑर्डर हम लोग कुछ बता सकते हैं कि विच एनाइन मे बी प्रेजेंट यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हो इफ फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्ट कंटेन इज अ कार्बोनेट ठीक है अगर हमारे सॉल्ट में कौन सा एनाइन है हमारे सॉल्ट में है कार्बोनेट प्रेजेंट सी ओ सी टूने की रूल देन वट विल बी द कलर एंड द ऑर्डर ऑफ दिस गैस एक्चुअली हमें मिलता है यहाँ पर एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ से गैस निकल रहा है जिसका कोई कलर नहीं है और उसको ऑर्डर भी नहीं है ए कलरलेस एंड द ऑर्डरलेस गैस निकल रहा है लेकिन इसमें एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब कार्बोनेट साल्ट में होता है ना देन दिस गैस कम्स आउट विद ए ब्रिस्क एफंस बहुत बहुत ही फोर्स के साथ ये गैस निकल आता है ठीक है यू विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ एन एफेसन विद एनी अदर साल्ट एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्बोनेट का कि इफ सॉल्ट कंटेन्स अ कार्बोनेट एंड जो यहाँ से जो गैस निकलेगी विल रेक्ट विद ड्यूट के साथ वहाँ से जो गैस निकलती है ना दैट इज कलरलेस गैस एंड ऑर्डरलेस गैस एंड इट ऑल्सो कम्स विद ऑफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं एफरवे बहुत जल्दी से निकल जाती है वहाँ से गैस टेस्ट में ठीक है सो दिस इज़ यहाँ से हम लोग इंफ्रेंस ड्रा कर सकते हैं दैट द सॉल्ट में कंटेन कार्बोनेट इसी तरह से सपोज अगर हमारे सॉल्ट में कौन सा एना है ना सल्फाइड प्रेजेंट है ठीक है सॉल्ट में सल्फाइड प्रेजेंट है तो वहां से जो कलर होगा व्हाट विल बी द कलर ऑफ द गैस ठीक है तो इस समय अगेन एक कलरलेस गैस आपको मिलेगा लेकिन इट इज लिटिल डिफरेंट दैन द कॉर्पोरेट वन ठीक है कॉर्पोरेट में क्या था वी हैव अ कलरलेस गैस बट ऑर्डरलेस ऑर्डर भी नहीं है यहाँ पर इसका एक एक वेरी स्पेसिफिक स्मेल आता है जिसको हम बोलते हैं ना एक्स स्मेल ठीक है जब कोई अंडा जो होता है जब वो ख़राब होता है उसे जो बदबूदार स्मेल जो निकलती है ना उसी को उसी के जैसी स्मेल यहाँ से निकलेगी ठीक है इसका मतलब क्या हुआ जब साल्ट में प्रेजेंट होगा सल्फाइड वहाँ से एक कलरलेस गैस ठीक है एक कलरलेस गैस निकलेगी बट उसके साथ होगा रॉटन एग स्मेल भी ठीक है एक रॉटन एग स्मेल तो कलरलेस गैस विद एग स्मेल इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दल्फाइड एन आई सो इसका मतलब हुआ कि जब आपने टेस्ट ट्यूब लिया सॉल्ट उसमें ऐड किया और वहां से एक कलरलेस गैस निकलती है बट दैट गैस हैज रॉटन एग स्मेल इसका मतलब हुआ की सॉल्ट में कंटेन सल्फाइड इसी तरह से अगर सपोज हमारे पास सल्फाइट है साल्ट में क्या है सल्फाइट है अगेन हमने क्या करना है साल्ट लिया उसमें डायलूटे से फोर आपने ऐड किया और वहां से जो गैस निकलती है उस टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकलती है ना वो किस तरह की गैस है अगेन वो भी कलरलेस गैस ही है ठीक है क्या है ये कलरलेस गैस इसका कोई कलर नहीं है लेकिन एक करेक्ट्रिक फीचर है इसका कि यू विल सी सम बर्निंग सल्फर ठीक है यू विल गेट अ स्मेल लाइक अ बर्निंग सल्फर तो सल्फर की जैसा स्मेल आएगा ठीक है बर्निंग सल्फर ठीक है बर्निंग सल्फर टाइप ऑफ ऑटर विल बी देयर सो दिस बर्निंग सल्फर इज ऑब्वियसली डिफरेंट दैन द रॉटेन यू नो ऑटर इज इन इट सो दैट मीनस कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है विच कंटेन्स अ सल्फाइड उस सल्फाइड uh, उस सॉल्ट uh, को जब आप टेस्ट में uh, uh, डालेंगे एंड देन यू विल एड डू टेस्ट वहां से अगर एक कलरलेस गैस निकलता विद अ बर्निंग स्मेल देन यू कैन ड्रॉइन इनफ्रेंस हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट में कंटेन सल्फाइड एंड रिमेंबर ये जितने भी अभी तक हम इनफ्रेंस जहाँ ड्रॉ कर रहे हैं वी आर नॉट श्योर क्या बताया मैंने कि हम लोग श्योर sure नहीं हैं वी कैन सी सिंपली द सॉल्ट मे कंटेन सॉल्ट मे कंटेन कॉर्बनेट कंटेन सल्फाइड और इसमें कंटेन सल्फाइड लेकिन हम लोग उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम लोग करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट उसको कंफर्म करते हैं सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है जिससे जिसमें मैंने डायलूट एस तो फोर एड किया और फिर वहां से एक कलरलेस गैस निकलती है ठीक है और इट ऑल्सो है ठीक है तो जब इस तरह का आ, इस तरह का की ऑब्जर्वेशन मिलेगी वी कैन से सॉल्ट मे कंटेन सल्फाइड फ्टर दैट आई विल डू अन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द सल्फाइट वो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे अगले वीडियोज में अभी आप सिर्फ देखो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जब हम करते हैं ना डायल्यूट एस टू सो फोर के साथ तो किस तरह के ऑब्जर्वेशन हमें मिल सकते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द नाइट्राइट एन ओ टू वन नेगेटिव ठीक है इट इज नॉट नाइट्रेट इट इज नाइट्राइट ओके एन ओ टू इफ यू हैव एन ओ थ्री वन नेगेटिव दैट इज नाइट्रेट Nitrate, H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं होता दैटेड वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी देखो अगर हमारे पास साल्ट में नाइट्राइट है इफ हैव अ नाइट्राइट प्रेजेंट इन द साल्ट फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगेन प्रोसीजर तो सेम है प्रिलिमिनरी टेस्ट का टेस्ट में लेना है सॉल्ट फिर उसमें डायलूट एस्टिफोर एड करना है ना द क्वेश्चन इज इफ दूस नाइट्राइट

ब्राउन कलर फ्यूम ठीक है ब्राउन कलर गैस निकलता है यहां से विच मीन दैट यू नो दल्ट मे कंटेन नाइट्राइट फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वी विल डू अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द नाइट्राइट वो हम आगे देखेंगे इसमें एसिटेट है कलरलेस गैस अगेन यहां पर क्या आ रहा है कलरलेस गैस जिस तरह से पहले तीन साल से ना कॉर्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड वो भी कलरलेस गैस थे ये भी कलरलेस गैस थे लेकिन इसका एक करियटरिस्टिक फीचर है क्या है वो दैट इज यूल गेट ए विनीगर स्मेल स्मेल ऑफ विनीगर ठीक है सबको पता है इसका स्मेल डिफरेंट है राइट देन एनी अदर सबस्टेंस यूनो आप यहाँ से देखो हमने पढ़ा था रॉटन एक्समेल इज टोटली डिफरेंट यहाँ पे यहां बर्निंग सल्फर स्मेल वो भी एक डिफरेंट स्मेल uh, है ठीक है डिस्टिंग कर सकते हो आप और अगर विनीगर सुमेल आएगा ठीक है कलरलेस गैस है विनीगर सुमेल है इसका मतलब है द सल्ट कंटेन एसिडेड आयन और आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एसिडेड आयन नाउ द क्वेश्चन इज यहां पर अब क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने टेस्ट uh, ट्यूब में सॉल्ट को लिया फिर हमने ऐड किया इसमें डायलूट एच टू एस फोर करेक्ट हमने इसमें ऐड किया डायलूट एच टू एस फोर इफ यू गेट एनी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन ठीक है ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना इसमें इस से कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको मिला देन यू कैन ड्रा इन फ्रेंस की इसमें वो पर्टिकुलर एनाइन होगा फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको बर्निंग स्मेल नजर आ रहा है कलरलेस गैस निकल रहा है और बर्निंग स्मेल तो इसका मतलब हुआ इतनी कंटेन सल्फाइट एंड देन यू विल परफॉर्म ए कंफर्मीटर चाइज फॉर दल्फाइट लेकिन लेकिन सपोज अगर इसमें डायल्यूट एच टी सो फोर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है यू आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी काइंड ऑफ अ गैस और यू आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी काइंड ऑफ ऑर्डर ठीक है इस टेस्ट में आपको लग रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है देर इज नो रिएक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द सॉल्ट एंड द डायल्यूट एच टू एस ऑफ फोर देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे यू विल परफॉर्म द प्रिलिमिनरी टेस्ट नाव विद अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड ठीक है एंड एटलीस्ट इतना तो हम बोल सकते न यहाँ पर वी कैन ड्रॉ वन यू नो इन्फ्लुंस हेयर कि If the salt doesn't react with the sulfuric acid, we are not able, we, you know, we are not getting any kind of an order or gas, uh, you know, from this test tube when you react with the dilute acid 4. So, at least we can say that this particular salt does not contain carbonate, sulfide, sulfite, nitrite, or estate. So, you can say these these five types of anions they are absent, they are absent in the सॉल्ट देन आफ्टर दैट यू विल परफॉर्म ए कॉन्फर्मेटरी प्रिलिमिनरी टेस्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेरिक एसिड उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन एंड वट विल बी द इंफ्लुंसेज